घर में लोग प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और लोग भगवान को भोग भी लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोग लगाने के दौरान अगर कुछ बातों का ख्याल नहीं रखा गया और एक छोटी सी गलती कर दी तो भोग लगाने का फल मिलने की बजाय आपके लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित शत्रुघ्न झा बताते हैं कि भगवान को भोग लगाने के लिए लोगों को कुछ बातों का खास रूप से ख्याल रखना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय किस बर्तन में भगवान को भोग लगाया जा रहा है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा भोग लगाने के दौरान किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इतना ही नहीं, जिस वक्त भगवान को भोग लगाया जा रहा हो इस बात का भी ख्याल रखकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हम जो भोग भगवान को लगाते हैं वह भोग भगवान खुद ग्रहण करते हैं। भगवान का भोग लगाने का यह उद्देश्य लोगों को रखना चाहिए कि मैं भगवान को भोजन करा रहा हूं। किसी को भोजन कराने के पूर्व स्वच्छ पात्र में मीठे भोजन लगावें भगवान को भोजन के लिए, उसके साथ एक गिलास में जल भी रख दें और कुछ देर के लिए मंदिर हो पर्दा लगा दें और हाथ जोड़ के उन्हें विनती करें, प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ईश्वर, मैंने जो आपको भोग लगाया उसको केवल पाएं और फिर प्रसाद के रूप में पाएं, कुछ क्षण के लिए उन्हें समय दें। इस प्रकार भगवान को भोग लगाने का नियम है, कुछ 5 मिनट हो 10 मिनट हो उसके बाद ही कुछ क्षण के लिए भगवान के पास रहने दें, पर्दा लगा के रखें, उसमें हो तो तुलसी पत्र डाल दें जिसे भगवान को, या तुलसी पत्र डालने के बाद वो प्रसाद के रूप में होता रहे। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि भगवान को भोग लगाते समय एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में भगवान को झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। कई बार भगवान के भोग के लिए तैयार प्रसाद को ही लोग पहले खाना शुरू कर देते हैं, फिर उसी में से निकाल कर भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया जाता है, जो अनुचित है। ऐसा करना उस प्रसाद को झूठा करना माना जाता है और भगवान को झूठा भोग लगाने से भगवान के कोप भाजन का भी शिकार बनना पड़ सकता है। तो ज्योतिषाचार्य ने बताया कि शास्त्रों में झूठे भोग को काफी अशुभ माना गया है। इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान को जो भोग लगाना है वह एक बर्तन में निकाल कर पहले रख दें, इसके बाद ही बाकी का खाना लोग खा सकते हैं। तो भोग लगाने के दौरान इन बातों का ख्याल रखकर आप जो भी भोग भगवान को लगाएंगे ऐसा माना जाता है कि उसे भगवान के द्वारा स्वयं ग्रहण किया जाता है। लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।